जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जो हिस्ट्री में अगला टॉपिक होगा हमारा, महावीर स्वामी और जैन धर्म। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म से संबंध में, बौद्ध धर्म के संबंध में प्रश्न उत्तर भी किए थे और उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया है लोगों ने। और इसमें जिसमें मुख्य रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा, पूनम गौतम है, संगीता हैं, पुष्पा हैं और रानी भाटी जी हैं। इसके अलावा अर्जुन सिंह हैं, अभिषेक हैं। ये लोग काफ़ी ऐसे मेहनती लोग हैं, जो ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जो रेगुलर हर वीडियो पर बने रहते हैं और इनके कमेंट्स किसी न किसी चीज़ को लेकर आते रहते हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो उसको लेकर क्वेश्चन इनसे पुटअप होते रहते हैं और ये अप्रिशिएशन भी बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि रानी भाटी जी का एक कमेंट है कि सर आप बहुत मेहनत करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पहचाना कि हम मेहनत कर रहे हैं। और ज़रूरत है कि इस मेहनत का परिणाम जब तक आप लोगों के सहयोग से ही हमें प्राप्त होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जानने वालों में इसको जो है फैलाइए कि आप कितने अच्छे प्लेटफॉर्म से जो है कंसेप्ट्स को सीख रहे हैं। किसी ऐसी वैसी चीज़ों को नहीं सीख रहे हैं कि बस कहानियों को आपने पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल जो कंसेप्ट है जिनसे आपके क्वेश्चंस पेपर सेट होते हैं और जहां से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकाल सकते हैं, वहां से पढ़ रहे हैं। बताइए अपने दोस्तों में और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो तभी हमारी मेहनत जो है ज़्यादा सफल हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, सिंपल। अभी जैसे हमने बौद्ध धर्म में संबंधित महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में थोड़ा सा देखा था, उसी तरीके से महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पहले हम इस क्लास में समझेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें हम जैन धर्म की जो उपदेश हैं या कहा जाए उनकी जो शिक्षाएं हैं, अणुव्रत क्या है, महाव्रत क्या है, श्वेतांबर दिगंबरों का निर्माण कैसे हुआ, जैसे कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायानियों का निर्माण हुआ था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित। तो उससे पहले अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी या जो जैन धर्म है मुख्य रूप से देखा जाए तो जो जैन धर्म है इसमें जो जैन शब्द है ये मुख्य रूप से आता है किससे, जिन से। किस शब्द से आता है, जिन शब्द से आता है। और जिन का अर्थ क्या होता है, जिनका अर्थ होता है जिसने क्या किया है, मुख्यतः बुरे विचारों पर विजय प्राप्त कर ली है। जिनका अर्थ क्या होता है, जिसने बुरे विचारों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने बुरे विचारों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो इसमें जो है जिन शब्द को लिया जाता है और जिन शब्द का उपयोग जो है मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, महावीर स्वामी के लिए किया जाता है। महावीर स्वामी के लिए मुख्यतः जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो जैन धर्म है इसके संस्थापक को लेकर काफ़ी मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जैन धर्म है तो हमें नॉर्मली अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो जैन धर्म के संस्थापक, ये जो संस्थापक हैं ये परंपराओं के अनुसार हम लोग देखते हैं और उसी के अनुसार ही हमको रखना है कि जो परंपराएं मतलब कि जैन धर्म के लोग जो है किसको संस्थापक मानते हैं, तो वो चीज़ हमें देखना है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक के रूप में माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है। इसके बाद ये प्रथम तीर्थंकर हुए, कौन हुए, प्रथम तीर्थंकर हुए, यानी कि इन्होंने जैन धर्म से संबंधित जो जो कुछ उपदेश थे या लोगों को जो बढ़ावा देना था वो उनका लोगों को अपने से जोड़ना था, उसकी शुरुआत ऋषभदेव ने की। इसके बाद इतिहास के अनुसार जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जो हुए वो 23वें तीर्थंकर हुए। कौन से तीर्थंकर हुए, 23वें तीर्थंकर हुए। देखिए जैन मत के अनुसार ये माना जाता है कि कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन इतिहास में जो साक्ष्य मिलता है ऋषभदेव के बारे में मिलता है और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में इसका साक्ष्य मिलता है। पार्श्वनाथ को निग्रंथनाथ कहा जाता था, निग्रंथनाथ कहा जाता था, और इनके जो शिष्य होते थे उनको निग्रंथनाथ पुत्र के रूप में जाना जाता था, निग्रंथनाथ पुत्र के रूप में उनको जाना जाता था। तो महावीर स्वामी जो कि अगले तीर्थंकर हुए वो इनके शिष्य रहे होंगे,
तो इसीलिए उनको भी निग्रंथनाथ पुत्र कहा जाता है, यानी कि महावीर स्वामी जो हैं, महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। तो यहाँ पर ये 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। देखिए जैसे गौतम बुद्ध एक राजकुमार रहे और फिर उसके बाद वो चल दिए खोज में, किसी खोज में, सत्य की खोज में या सुख की खोज में या ज्ञान की खोज में, वैसे महावीर स्वामी भी निकले अपने घर से एक ज्ञान की खोज में और फिर वो जैन धर्म से संबंध स्थापित करते, जैन धर्म के शिष्य बनते हैं, पार्श्वनाथ के शिष्य बनते हैं और वो 24वें तीर्थंकर के रूप में आगे स्थापित होते हैं। तो महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी है। इसीलिए अन्य तीर्थंकरों के मुकाबले जैन धर्म में या कहा जाए इतिहास में महावीर स्वामी का जो स्थान है वो अलग है या कहा जाए अधिक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है, अब इनके जन्म को लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने गौतम बुद्ध को लेकर जन्म की बात की थी, तो जल्दी से एक आंसर आप लोग बता दीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो यहाँ पर अगर हम जन्म की बात करें तो जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। तो 540 ईसा पूर्व में किसका जन्म होता है? महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है और कहाँ होता है? वैशाली के निकट। स्थान क्या है? वैशाली के निकट, कहाँ? कुंड ग्राम में। तो ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, बने हुए मिलेंगे, यानी कि ऐसे ही जैसे हमने जैन बौद्ध धर्म को पढ़ा था वैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स इससे रिलेट करके इसकी सीरीज से लेकर क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो कुंड ग्राम में, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो वैशाली जो कि उस समय एक राजधानी रही, मगध की भी राजधानी रही काफ़ी समय पहले, और यानी कि मुख्य रूप से जो वंश रहे कालाशोक के टाइम पर जो है वैशाली मगध की राजधानी रही थी। कुंडग्राम वैशाली के पास है और वर्तमान में ये जगह कहाँ है? बिहार राज्य में है। तो यहाँ पर स्थान हम देखते हैं। फिर इसके बाद इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। देखिए ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वाले सिद्धार्थ नहीं है, ये अलग सिद्धार्थ है, ठीक है। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ और ये ज्ञात्रक कबीले के मुखिया हैं। किस कबीले के? ज्ञात्रक कबीले के मुखिया हैं। तो गौतम बुद्ध के पिता, अब कंपेयर करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म या महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जन्म को कंपेयर करके जब आप पढ़ेंगे या एक दूसरे के साथ रखकर समझेंगे तो क्या होगा कि आपको बड़े आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो किसके मुखिया थे? शाक्य कबीले के मुखिया थे। तो इसी तरीके से जो महावीर स्वामी के पिता है सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रक कबीले के मुखिया थे, ठीक है, ज्ञात्रक कबीले के राजा थे। माता का नाम है त्रिशला, ठीक है, त्रिशला माता का नाम है। और इनकी माता से अक्सर एक प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है कि ये जो इनकी माता थी वो चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी। चेटक कौन था? चेटक लिच्छवी का राजा था, ठीक है, चेटक जो था वो लिच्छवी का राजा था। कहाँ का राजा था? लिच्छवी का राजा। तो अक्सर यही प्रश्न पूछता है, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन का क्या नाम है, या फिर जो त्रिशला जो कि महावीर स्वामी की माता है वह किसकी बहन थी? तो चेटक की बहन थी जो कि लिच्छवी का राजा था। इसके बाद जो पुत्री और पत्नी को लेकर अक्सर मतभेद रहते हैं, मतभेद क्या रहते हैं? श्वेतांबर और दिगंबरों के अनुसार जो है दो मत हैं पत्नी और पुत्री को लेकर। एक कि एक पक्ष तो ये मानता है कि महावीर स्वामी को पुत्री है और एक पत्नी है। एक पक्ष ये मानता है कि इनका विवाह नहीं हुआ था, ये बाल ब्रह्मचारी थे। तो जो दिगंबर हैं वो ये मानते हैं कि जो महावीर स्वामी थे उनका विवाह नहीं हुआ था, वह क्या थे? बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी कोई पत्नी या पुत्री नहीं है। इसी लेकिन जो श्वेतांबर हैं वो क्या मानते हैं? श्वेतांबर ये मानते हैं कि उनकी पत्नी भी है और पुत्री भी है। तो फिलहाल जो अगर है तो पत्नी और पुत्री का क्या नाम है? जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रश्न इरेज कर देता हूँ, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि
गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है और उनका जो पुत्र है उनका क्या नाम है। तो यहाँ पे पत्नी और पुत्री है, क्लियर है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं किसके उससे, दिगंबरों के मानने से, लेकिन हमें याद रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन है, पत्नी का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, यहाँ पर पत्नी का नाम है यशोदा, यशोदा। पुत्री का नाम अरुज्या, या कहीं कहीं आपको प्रियदर्शनी भी देखने को मिल जाएगा, प्रियदर्शनी, ठीक है। और ये भी कहा है श्वेतांबरों ने कि अरुज्या का विवाह महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली, प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली के साथ हुआ, के साथ विवाह। तो जमाली कौन है, जमाली महावीर स्वामी के शिष्य हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी है या अरुज्या के नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसको लेकर है, ये कंसेप्ट है आपका श्वेतांबरों के अनुसार ये कंसेप्ट दिया गया है। इस प्रकार अगर देखें ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति में क्या कंसेप्ट है कि जो ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ से हुई, कहाँ हुई ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको, ऋजुपालिका, नदी है एक, ठीक है, उसके तट पर। महात्मा बुद्ध किस नदी के तट पर हुई थी, निरंजना नदी के तट पर हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर, जंभीय ग्राम, ठीक है। जंभीय ग्राम में कौन सा वृक्ष था, साल वृक्ष था। महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये जो क्षेत्र है ये वैशाली में ही स्थित है, कहाँ है, वैशाली में स्थित है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मृत्यु जो है वो इनकी कहाँ हुई, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, मृत्यु हुई पावापुरी में। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है, तो पावापुरी में मृत्यु होती है कब, 468 ईसा पूर्व में, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब होती है, 483 ईसा पूर्व में, क्लियर है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये इनका एक छोटा सा जीवन परिचय है और इससे ही प्रश्न जो है उठने को देखने को मिलते हैं। अब आप ये सोचें कि मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताऊँ, बड़ा सा बना के बताऊँ, तो वैसा नहीं। जो टूटा पॉइंट चीज़ें हैं जिनसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, हमें उसको ही ध्यान में रखना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। लेकिन जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें ही बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी और मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग लगातार शेयर करें हमारे वीडियो, हमारी जो क्लासेज हैं उसको लगातार शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आपको कंटेंट देते रहें। हालांकि कंटेंट आपके पास बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, चाहे वह राज्य व्यवस्था से संबंधित हो या हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट हो या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट हो। तो यहाँ पर जल्द ही जो है पर्यावरण की क्लास भी शुरू करेंगे, लेकिन पर्यावरण की क्लास शुरू करने के लिए चाहिए एक भीड़, एक जो है जनसंख्या, और वो तभी आएगी जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग सब्सक्रिप्शन करेंगे, और जब संख्या बढ़ेगी तो हम जो है क्लासेस भी लगातार बढ़ाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इन दो क्लासेस जो हमारी चल रही हैं इनके साथ लगातार बने रहें, और जो करंट अफेयर्स है उसको भी आप लोग लगातार देखते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें अपने दोस्तों में। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये पूरा एक इनका जीवन परिचय हो गया। तो श्वेतांबरों का मानना क्या था कि महावीर स्वामी जो हैं वो विवाहित थे, जबकि दिगंबरों का मानना है कि वह विवाहित नहीं थे। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के ही विचारों को आगे बढ़ाते हैं, वो आगे चल के अगर विचारों की अगर हम बात करें जैन धर्म के, तो क्या करते हैं महावीर स्वामी जो हैं वो पार्श्वनाथ के विचारों को ही आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और उनके कुछ चीज़ों को, कुछ सिद्धांतों में जो है कुछ एक अपना सिद्धांत भी जोड़ते हैं। तो कौन से उनके उपदेश रहे, क्या दर्शन रहा जैन धर्म का, उस पर जो है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो है सिंपल जो फैक्ट्स हैं उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इनसे प्रश्न जो है रेगुलर आप लोगों के बनेंगे। तो दोस्तों बने रहिए लक्ष्य के साथ और आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरीके से कंटिन्यू देखते रहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।